उसके बावजूद तुम ये रिपोर्ट वापस लेना चाहते हो? किसान ने तुम्हें मारा नहीं? हाँ सर, गलती मेरी थी सर, उनकी कोई गलती नहीं है। अच्छा, मैं भी तो सुनूं, क्या गलती थी तुम्हारी? एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम मिस्टर मेरा? अगर ये आदमी मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, पीछे क्यों पड़े हुए? हाँ सर, ये अपने रास्ते जा रहे थे सर, अचानक मैं बीच में आ गया और गिर गया सर। तो वहाँ पर एक स्टैनर पड़ा था, मेरे सर पे लग गया। ये तो कुछ छोटे सर, मेरे सर पे लग गया? हाँ सर। क्या ये, ले जाओ इसे। सर इनकी कोई गलती नहीं है सर। सर मैं कह रहा हूँ सर, आप सबसे ना इसको भी खरीदी, कितने में खरीदा इसको? तुम सुधरने वाले नहीं यार। अगर मैंने ऐसा कुछ किया भी है, इट्स नॉट योर बिजनेस, इट्स जस्ट नॉट योर बिजनेस। अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो सक्सेना, वरना बहुत पछताओगे। तब ये तुम्हारा पैसा, ये कॉन्टैक्ट्स, ये किसी काम नहीं आएंगे। मुझे सीख देने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर मेरा, समझे? और आपके लिए फालतू वक्त होगा बकवास करने के लिए। मेरे लिए एक बात बहुत कीमती है, प्लीज जरूर हमारी छोड़िए, मैं जा सकता हूँ। ये सही वही तुम्हारा पुराना पैसे का भूल गया नहीं अभी तक? हाँ तुम मुझे तब भी नहीं जानते थे और आज भी नहीं जानते। जाति तौर पर ना सही, पर प्रोफेशनली आई नो यू वेरी वेल सक्सेना। मेरे साथ साथ आज हम पुलिस डिपार्टमेंट भी जानता है और यहाँ तक किसी भी हद तक को मालूम है तुम्हारे काले धंधों के बारे में। कैसे ये सरकारी जमीनें तुम आधी कीमत पर खरीद लेते हो, कैसे ये अपने टेंडर्स पास करवाते हो? ऐसा कौन सा कानून है सबसे ना जो तुम्हें तोड़ा ना हो और उसके बाद इस तरह के लोगों को पालते हो? आई सेड स्टॉप इट, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। जहाँ तक मेरा सवाल है बेटा मेरा, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ही मामूली सा बिल्डर हूँ, मतलब और मैंने कानून को कभी तोड़ा नहीं, कभी मोड़ा होगा। एक दिन मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूंगा सक्सेना, और फिर देखूंगा कि तुम्हारा ये पैसा तुम्हें कैसे बचा पाता है। कॉलेज के जमाने से बाहर आओ, ठीक है? तुम उस वक्त पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे, और क्या ईमानदार, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। तुम्हारी औकात में तब भी पहचान गया था और आज भी तुम वही, क्योंकि ये कॉलेज नहीं है, ये हकीकत है, असली दुनिया है। यहाँ के नियम अलग होते हैं, यहाँ के उसूल अलग होते हैं, तुम यहाँ मेरे सामने नहीं जीत सकते। गुड बाय मिस्टर विराट। मेरी बात याद रखना सक्सेना। मुझे सिखा था रजत सक्सेना को? अरे दौलत का पेड़ माफ की कमाई जाती है अकल से। सर मैं कहा जाता हूँ, ठीक हुई? कैसे ठीक होगा? या तुम लोग की शक्लें देखनी पड़ती, सुबह सुबह हाउस इंस्पेक्टर की शक्ल देखनी पड़ती, ईमानदारी का लेक्चर देता मुझे, तभी सुबह सुबह पुलिस वाले का मुंह मत देखना, पूरा दिन खराब हो जाता। एनीवे लेट्स गेट टू वर्क। वो शादी वाले प्लान दिखाओ। यस सर। लाइब्रेरी, गार्डन, रिक्रिएशन सेंटर, स्विमिंग पूल कहाँ है? लेकिन सर आपने तो कहा था ना पानी का प्रॉब्लम है। तो पानी तेरे घर से जाने वाला, और वैसे भी पेपर में स्विमिंग पूल दिखाने के लिए क्या चाहिए? नीला रंग चाहिए ना, तो लगा ना, है ना? प्रोजेक्ट है भाई, ग्लैमरस दिखना चाहिए, बुकिंग के लिए आदमी फंसना चाहिए नहीं? बट सर मैं जो कहता हूँ तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन कमिटमेंट कोई नहीं होना चाहिए। इतना ध्यान रखो कि पेपर पे कुछ एहसास हो जाए, समझे? यस सर। और हाँ, प्रेस को फोन करो, और सरकार ने जो करीबाबाद से अलूट नगर के बीच सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है उसकी न्यूज फैला दो, फिर देखो फ्लैश का नाम कैसे बढ़ता है। हेलो। हेलो सर, आपके लिए फोन है। मैंने तुमसे कहा था ना मुझे कोई कॉल नहीं चाहिए अभी। सर कोई मिसेस अंजलि। कौन है, क्या है? मिसेस अंजलि। अरे अंजलि को? मिसेस अंजलि मेहता। अंजलि मेहता, जस्ट पुट हर ऑन द लाइन प्लीज। हेलो अंजलि, हाउ आर यू? मैं बस ठीक है। इतने सालों में तुमने कैसे याद किया मुझे? देखो युवक कहना मुझसे कि तुम्हारे पति ने मुझसे फ्लैट खरीदना चाहते हैं। मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें फोन करना चाहती थी। अरे बात क्या है, तुम रो क्यों रही हो? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता रजत, मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अंजलि मुझे कुछ बताओ तो सही। तुम मैं नहीं जानती कि मेरे लिए तुम्हारे दिल में कुछ जगह है या नहीं,
अच्छा बताओ इस वक्त कहाँ से बोल रही हो? अपने घर से। अंजलि, मैं आज तक नहीं भूला तुम्हें। तुम्हारे साथ बताया हुआ एक एक पल मुझे याद है, मेरे दिल में बसा हुआ है आज भी। यार वो कॉलेज के थे जिसे मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। की क्या बात है, एक महीने के अंदर मैं ग्रेजुएट होना ही। अगर हम लोग फेल नहीं हुए तो भाई अपना सामान लेना, मैं तो पैसे देके भी। देखा तुमने? नहीं तो भाई ना। अच्छा अंजलि, अगर आज मैं तुम्हें प्रपोज करता हूँ। एक मिनट, मैं भी तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। अभी सिर्फ तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किसे चुनती हो, रजत या मैं। जानते हो प्रोफेसर नगरकर क्या कहते थे? अगर आपके पास दो रास्ते हैं पर चुनना मुश्किल है तो मुझे पता है पर तीसरे को चुनो। तुमने फैसला किया लेकिन आज सिक्का मेरे हाथ में है और फैसला भी मैं करूंगा। मैं जानती हूं रजत, मुझे माफ कर। काश मेरे पे नहीं फैसला था, खुद पे पता। अजय मैं तुम्हारे नहीं रजत, प्लीज हेल्प मी। हौसला रखो अजय, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूं। तुमने वो पॉइंट क्यों पकड़ लिया? जो कुछ होना था हो जाता था। मैं तुम दोनों से किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहती। किसी ना किसी का दिल दुखाना ही चाहे फैसला आज करो। फैसला तो हो चुका है, शाम को घर आना, विराट भी होगा वहाँ। होगा क्या है भाई, अंजलि से मिलने आया हूँ। शायद उसने अपने पापा से मेरे बारे में बातचीत कर ली है, लगता है वो अपना फैसला सुनाने वाली है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? कई वैसी जैसे तुम यहाँ पे, और उसे तो अंजलि ने टॉस होने से रोक लिया, लेकिन आज उसे कोई ना कोई डिसीजन लेना ही होगा। वैसे बात कहूँ विराट, ये ना डोंट माइंड, बट कोई भी बाप अपनी बेटी को हमेशा किसी खाते पीते घर में भेजना चाहेगा नहीं? विराट, रजत बेटा, तुम लोग बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। आओ मैं तुम्हें इनसे मिलवाता हूँ। आओ बेटा, तुम्हें भी इनसे मिलवा देता हूँ। ये है रजत सक्सेना और ये है विराट सिन्हा, दोनों ही अंजलि के कॉलेज के दोस्त हैं। और विराट, रजत ये परेश मेहता है, अंजलि के होने वाले पति। ये लेकिन आपने तो ये तो सही साहब, अंजलि किधर है? अंजलि
क्यों नहीं जाती यहाँ से? तुम क्यों नहीं दिया? तुम क्यों नहीं दिया उस कमीने के ऊपर? तुम क्यों नहीं दिया? तुम क्या जाती कब? और यहाँ से निकल कर नहीं, तो वो मुझे जान से मार देता। जुदीवी के लिए कोशिश करनी बेकार है, जुदीवी के लिए कोशिश करनी बेकार है। 7 साल से जुदी हुआ मारे पूरा। सात साल निकल गए, बकरी दाल भी निकाल ले जान पूरा। ठीक सुबह 7 बजे तो मुझे बैंगलोर वाले बस स्टॉप पे मिलना। अगर परेश भी वहां पहुंच गया तो आने दो। अगर उसने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो देखना मैं क्या हाल करता हूं उसका। थैंक यू वेरी मच रजत। मैं कल सुबह 7 बजे वहां पहुंच जाऊंगी। मुझे लग रहा है औरत धोखा दे रही है। देखा हुआ नहीं है मेरा, क्योंकि नया है ये। तुम्हारी जुल्मी डरावनी है। वो खत भेजने वाला है ना? देखो मेरे घर में घुसकर ये सबको नहीं कर सकते।
नहीं दूसरा नहीं है शायद, दूसरा आज अपलोड करेगा। ये है ना पहला वाला है ना, ये हाँ ये लगा दे। दूसरा है ये, सोनी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। पाँच चार तीन दो एक, पाँच बज गए, अपना भी टाइम हो गया। चलो भाई लोग बाय। आनंद बाबू समय के बड़े पावन हैं, एक सेकंड आगे ना एक सेकंड पीछे, पांच बजते ही निकल पड़ते हैं घर की तरफ। जाते तो टाइम पर आते बहुत लेट है। नहीं नहीं शादी हुई है, बीबी तमाम मुल्ला है, शुरू शुरू का जोश है, बाद में तो बीवी का नाम याद आते ही बुखार चढ़ाया करेगा। How are you?
में कुछ गड़बड़ चल रही है। दर इबरात करना उसके बाद ही कुछ हो रहा है। यह तो रोज रोज की चीज है। ये ले आओ वो ले आओ। सब पति ने नौकर समझ रखा मुझे। जिदा हराम कर दिया मेरा। अपनी जिंदगी तूने खुद हराम की हुई है। यार घर में अच्छी खासी बीवी है और तू उस मलिका के चक्कर में पड़ा हुआ। या मलिका कहाँ से पूछना है? देख दो नाम है सॉरी मत कर। क्या हल बना दिया तूने अपना? जरा जरा बात से तुझे गुस्सा आता है, टेंशन दे रहता है। मुझे तो लगता है नेहा को तेरे इस चक्कर का पता लग गया। क्या क्या हम लोग एक ही कॉम्प्लेक्स में रहते हैं और फिर तुझे किसी ने उसके घर से आते जाते देख लिया तू? और ऐसी बातें छिपाई छिपती नहीं। मैं तेरे लिए नेहा से और झूठ नहीं बोल सकता। उस दिन तू मलिका के घर पर नेहा ने मुझे फोन किया। उस दिन तो मैंने किस तरह से बात को संभाल लिया। अगर नेहा घर पर आ जाती तो उस औरत का चक्कर छोड़ दे और अपने घर को बर्बाद मत कर। नेहा ने तुझे अकेले लाने के लिए कहा है ना, पहले तो वो और एक बात और आज मलिका से मिलकर सारी बात साफ कर और मामला खत्म कर। समझ तो ठीक है, आज रात ही मलिका से मेरा रिश्ता तोड़। मुझे लगता है कि बड़े आसानी से तेरे पीछे छोड़ देगी। वो बहुत खतरनाक औरत है। ये मेरा घर है, please.